उपस्थापन परे ओडिशा सरकार केन्द्र को समालोचना करिबा एक परंपरा पलटी सारिथिला। राज्य मागुथिला जेते तार अधा अनुदान भी मिलू नथिला बजेट्रे, किंतु गत 6 वर्ष तले भांगिथिला एही अलोडा परंपरा। एबे रेल बजेट्रे राज्यर आशाठ भी अधिक अनुदान अजाड़ी देउछि केन्द्र। खाली रेल बजेट काहीकि ओडिशारे सड़क पथर विस्तार क्षेत्र में भी नुआ फर्द जोड़ी होईछि। ओडिशारे द्वितीय विमान बंदर कार्यक्षम होगा किछि वर्ष तले एक मरीचिका पर मन होता, किंतु आज झारसुगुड़ देशर विभिन्न सहर को सीधा सड़क विमान जोगाजोग संभव हो पारिछि। ओडिशार विकास पई दृढ़ संकल्प बिना यह कौन संभव हो पारि था? ए संकल्प से ही जननायक जी राजनैतिक फायदा और लोकसानी हिसाब न रखी ओडिशा को पूर्व भारत में विकास द्वार करने को अंटा भिड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंका सरकार अमल में ओडिशार भित्तिभूमि विकास किपर नुआ इतिहास रचि एक तथ्य ही कहूँ। 71वां जन्मदिवस पदार्पण कर प्रधानमंत्री मोदी को अर्गस जनाउछि शुभेच्छा। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोदय परिकल्पना रे ओडिशा स्वतंत्र स्थान पाई आसी। एही परिकल्पनार मुख्य उद्देश्य हेउछि ओडिशावासी जीवनशैली में मूलभूत परिवर्तन आणिबा। ओडिशार भित्तिभूमि विकास क्रमागत भाव में चरम अवहेला और अविचार शिकार हो आसुला, किंतु 2014 पर ऐतिहासिक भूल को सुधार अंटा भिड़ी मोदी सरकार, जहार प्रभाव आज स्पष्ट परिलक्षित होकर रेलवाईर विकास क्षेत्र में दशंधि दशंधि धरी चरम अवहेलार शिकार हो आसार बहु सुप्त प्रकल्प आज संपूर्ण किंबा प्राय संपूर्ण स्थिति को आसी पारिछि। रेल प्रकल्प गुड़िकर काम आगेबा क्षेत्र में जमी अधिग्रहण एक बड़ बाधक साजि सत्वे मोदी सरकार निज संकल्प को छाड़ी देई नाहंती। गत 7 वर्ष भितरे ओडिशा रे रेल भित्तिभूमि और केन्द्रीय अनुदान क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन आसी, आमे कहूनु तथ्य कहूँ। आसंतु एपरि किछि तथ्य उपरे नजर पकाइबा। 2009-2014 यूपीए सरकार शासन काल भितर रेल बजेट्रे ओडिशा को वार्षिक हाराहारी 838 कोटी टंकार अनुदान मिलिथिला। हेले 2014-2021 मोदी सरकार समय एही परिमाण वार्षिक हाराहारी 4743 कोटी टंका को वृद्धि पाइछि, जहाँकि पूर्व सरकार तुलना रे 466% अधिक। 2009-2014 भितरे ओडिशा पाई वार्षिक हाराहारी 780 कोटी टंकार कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यवस्था करा जाइथिला, तेबे मोदी सरकार रे एहा 311% वृद्धि पाई वार्षिक हाराहारी 2862 कोटी टंकार पहुंचिछि। 2009-2014 मध्यरे ओडिशा रे 98 नुआ रेलपथ काम शेष होइथिला, किंतु 2014-21 मध्यरे मोदी सरकार अमल में 293 नुआ रेलपथ काम संपूर्ण हो। 2009-2014 यूपीए सरकार बेले मात्र 79 किलोमीटर रेलपथर दोहरीकरण करा, किंतु मोदी सरकार ने 2014-2021 भितर 841 किलोमीटर रेलपथर दोहरीकरण काम संपूर्ण हो। मोदी सरकार ने 2014 रु वर्तमान सुधा 1012 किलोमीटर रेलपथर विद्युतीकरण करा। यह छड़ा खोर्धा रोड नयगढ़ टाउन नुआगाँ भितर 90 किलोमीटर रेलपथ, बलांगीर बिछीपाली 16 किलोमीटर एवं रूपसा बांगीरीपोषी 98 किलोमीटर रेलपथर विद्युतीकरण काम चालू रही। 2014 मोदी सरकार क्षमता को आसवा पर 28811 कोटी टंका व्यय 610 किलोमीटर विशिष्ट 5 नुआ रेलपथ प्रकल्पर काम एवं चालू रही। राज्य में रेलपथर दोहरीकरण तृतीय लाइन और चतुर्थ लाइन पर 837 किलोमीटर प्रकल्पर काम जारी रही। बाद खोर्धा डिविजन अधीन अनेश्वतटी स्टेशन रे 60 कोटी टंका व्यय ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी मिली। मोदी सरकार शासन काल में
ओडिशा रे 525 टी जगवाळी विहीन रेल फाटक बंद कर दिया जायछि। या छड़ा जगवाळी युक्त 133 टी रेल फाटक को मध्य बंद करिछंति मोदी सरकार। खाली रेल पथ काहे आकाश पथरे देश ओ विदेश सह ओडिशा को जोड़ी बारे नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार ऐतिहासिक पदक्षेप नेछंति। तेबे सबुठ बड़ा पदक्षेप थिला झारसुगुड़ा वीर सुरेन्द्र साय विमान बंदर रे यात्री सेवार शुभारंभ। जितेबाला पश्चिम ओडिशावासी एने आशा हर बसी 2018 मसीह यार उद्घाटन करी सेमानंक मनरे नुआ आशार संचार करथिले मोदी। 288 कोटी टंका व्ययरे निर्मित ही विमान बंदर वर्तमान दिल्ली कोलकाता और हैदराबाद को विमान चलाचल करुछि। सेपरि बिजु पटनायक विमान बंदर रे केवल अंतर्जातीय ना जोड़ी होता बेले विदेश को पूर्व विमान चलाचल करूनथिला, किंतु मोदी देशर शासन डोरी धरिबा परे यहाँ संभव होता। यह छड़ा 2015 केन्द्र पक्षर 752 कोटी टंका व्यय करठे नुआ इंटीग्रेटेड टर्मिनाल निर्माण करपरी उड़ान योजन राज्यर 19 एयार स्ट्रिप को अंतर्भुक्त कर मोदी सरकार पक्षर सेठे भित्तिमिर विकास कर झारसुगुड़ा राउरकला जयपुर और उत्केलार नुआ विमान बंदर भित्तिमि निर्माण कार्य जोरसोर आगे चली।